बीसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं के नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा की सबसे पहले तो मेरी यानी भाग्यश्री और बीसीएन के पूरे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के सभी लोग इसे अलग अलग तरह से पर्व के रूप में मनाते हैं। सामान्य तौर पर इस दिन हिंदू परिवारों में गुड़ी का पूजन कर इसे घर के द्वार पर लगाया जाता है और घर के दरवाजों पर आम के पत्तों से बना बंधन द्वार सजाया जाता है। आज के स्पेशल स्टोरी में आइए जानते हैं गुड़ी पाड़वा से जुड़ी संपूर्ण कहानी। गुड़ी पाड़वा के दिन खास तौर से हिंदू परिवारों में पूरन पोली नामक मीठा व्यंजन बनाने की परंपरा है, जिसे घी और शक्कर के साथ खाया जाता है। वहीं मराठी परिवारों में इस दिन खास तौर से श्रीखंड बनाया जाता है और अन्य व्यंजनों व पूरी के साथ परोसा जाता है। आंध्र प्रदेश में इस दिन प्रत्येक घर में पचड़ी प्रसाद बनाकर वितरित किया जाता है। गुड़ी पाड़वा के दिन नीम की पत्तियां खाने का भी विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम की कोपली खाकर गुड़ खाया जाता है। इसे कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग का आरंभ भी गुड़ी पाड़वा से ही होता है। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन मास और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की गयी थी। गुड़ी पाड़वा शब्द भी गुड़ी का अर्थ होता है, विजय पताका और पाड़वा प्रतिपदा को कहा जाता है। गुड़ी पाड़वा को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने दक्षिण के लोगों को बाली के अत्याचार और शासन से मुक्त किया था, जिसकी खुशी के रूप में हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई गई थी। आज भी यह परंपरा महाराष्ट्र और कुछ अन्य स्थानों पर प्रचलित है, जहाँ हर घर में गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी फहराई जाती है। कहते हैं कि शालीवाहन नामक एक कुम्हार के पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों की एक सेना बनाई और उस पर जल छिड़क कर उनमें प्राण डाल दिया और इसी सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालीवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने बाली की तरह से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहरा दी। तब से अभी तक घर घर में ध्वज फहराने की प्रथा चली आ रही है। इसी दिन पुरानी ध्वज को हटाकर नई ध्वज लगाई जाती है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं के सहित रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, इसलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पाड़वा की गिनती होती है। शालीवाहन शक का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। पिछली यादें गठरी में बांध कर करें नववर्ष का इंतजार, लाए खुशियों की बारात ऐसी हो गुड़ी पाड़वा की परंपरागत शुरुआत। आशा है नया वर्ष हर किसी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर एक बार आपको बीसीएन न्यूज की ओर से गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।